गाड़ी क्यों रुकती? देखो रीटा डार्लिंग, इंजन बहुत गर्म हो गया है, सुबह भी नींद आ रही है और मैं भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूं। चुना रात यहीं गुजार ले। यहां तो कब्रिस्तान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? जंगल नहीं है रीटा डार्लिंग, वो देखो सामने पुरानी हवेली। वैसे सुना है बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात गुजारने के लिए बुरी जगह नहीं है। प्लीज डार्लिंग, सिर्फ आज की रात। ना पापा ना, मैं इस भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाहर से ही देख के डर लग रहा है। डरपोक कहेंगे। ठीक है बाबा, हम हवेली नहीं जाएंगे, इसके आसपास कुछ खंडर है, वहीं जाकर रात गुजार लेंगे। चलो ना। लेकिन कल सुबह हमें किसी भी हालत में शहर पहुंचना है। डार्लिंग, सुबह होने में भी बहुत देर है, कम ऑन, जब मूड हुआ करे इनकार मत किया करो। बदमाश कहेंगे। Oh!
Thank you.
आपने ठीक कहा था राणा साहब, खूबसूरत जगह है। आपका नौकर नहीं दिखाई दिया? वो यहीं कहीं होगा, आइए अंदर आइए प्लीज। शंकर, शंकर अंदर तो नहीं है, कहीं बाहर गया होगा। ये झाड़ू वगैरह तो यहीं पड़ी हुई है। इस लालय की शराब पीने की बहुत खराब आदत है, पीकर पड़ा होगा सड़क पर। आने दो, दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। कोई बात नहीं राणा साहब, सफाई हम करवा देंगे। चलिए आइए। गुड, वेरी गुड, वाह। नहीं राणा साहब, ये हवेली तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये क्या पीस है? नहीं, इसे तो म्यूजियम में होना चाहिए था। वाह, मजा आ गया। सुपर, आप बहुत लकी है कुमार साहब जो ये हवेली खरीद रहे हैं। पैसो तो है राणा साहब, अगर हमारा बस चले तो इस पुरानी हवेली का एक नायाब म्यूजियम बना दे। Thank you.
अनीता? क्या हुआ अनीता? ये चिल्ला क्यों रही है? मैंने अभी भी उस लोहे के बुत को चलते हुए देखा है। नहीं अनीता, ऐसा कैसे हो सकता है अनीता? हाँ सुनिए, मैंने अभी अभी उसका ये बाजू उठते हुए देखा है। नहीं अनीता नहीं, ये तुम्हारा बहन है। नहीं ये बहन नहीं, हकीकत है। मैं सच कह रही हूँ। अरे बाबा, ये लोहे का एक बेजान बुत है, ये कैसे हरकत कर सकता है? सर अभी दिखाता हूँ। अमा आ यार। अमा यार, तुम ये भी नहीं उठा सकते? लो देख लो, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तो वहम दूर हुआ तुम्हारा? लोहे के बाजू और उठते हुए देखे ए ऐसे। अरे दोस्त, तुम तो पहुंच गए अपनी दुनिया में। अब अपन चलते अपने कमरे में। बाय बाय। मुझे माफ करना, मैं नशे में हूँ। तुम रास्ते में कहाँ आ गए हो भाई? देखते नहीं माँ बदौलत अपने कमरे में जा रहे हैं। मुझको यारो माफ। क्या भाई नाराज हो क्या? हाँ? शराब नहीं दी इसलिए? लो पी लो। तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी बेड़े से मुलाकात हुई थी? ओके गुड बाय गुड नाइट। Ah!
कमाल है, इतनी रात गए, कौन हो सकता है? कहीं अंकल तो नहीं आ गए? अंकल आओ देखते हैं। किसने मारा इसे? मुझे लगता है इसने बहुत शराब पी ली होगी और ऊपर से नीचे गिर पड़ा होगा। लेकिन इसे इस तरह किसने लटकाया होगा? अनीता,